बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथ्स मैन में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स गिवन है तो उसके ऊपर ये तीन प्रॉपर्टीज लाजमी तौर पे होल्ड करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फाई एंड एक्स आर क्लोज, फाई और एक्स हमेशा क्लोज होंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, क्लोज सेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन लें वो भी हमारे पास क्लोज रहेंगे। थर्ड पे, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, क्लोज सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन की अगर हम यूनियन लें तो वो भी हमारे पास क्लोज आएगी। तो इसका प्रूफ करते हैं। चूँकि एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें फाई और एक्स मौजूद होंगे। फाई का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वह एक्स आता है और एक्स टोपोलॉजी टॉप में ओपन है। फाई का कम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब फाई हमारे पास क्लोज होगा। सेकेंड पे, एक्स का कम्प्लीमेंट लें वो फाई आता है, फाई हमारे पास टोपोलॉजी टॉप में ओपन है तो इसका मतलब x का कम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो x हमारे पास वो भी क्लोज्ड है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि फाई और x दोनों हमारे पास क्लोज होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन लें और उसकी इंटरसेक्शन। तो लेट h अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। तो h अल्फा हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन है क्लोज सेट्स के। प्रूव हमने ये करना है कि इसकी आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारे पास क्लोज्ड है। ये इंटरसेक्शन कब क्लोज होगी? जब इसका कम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो अगर हम कम्प्लीमेंट ओपन शो कर दें तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं। इसका कम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन लॉ से क्या होगा, जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगी और हर एक एच अल्फा का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे डी मॉर्गन लॉ में ये इंटरसेक्शन बी करें तो आता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगी और हर एक सेट के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तब हर एक एच अल्फा क्लोज था तो हर एक एच अल्फा का कम्प्लीमेंट वो ओपन होगा क्योंकि ये क्लोज है। अब एच अल्फा का कम्प्लीमेंट ओपन है, ये चीज़ हमारे पास एक ओपन सेट है और ये क्या आर्बिट्रेरी यूनियन, यानी कि ये हमारे पास सारे का सारा आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है। क्योंकि टोपोलॉजी हमारे पास एक्स के ऊपर टॉ गिवन है और उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन है तो इसका मतलब ये सेट भी हमारे पास ओपन है। एच अल्फा इज़ क्लोज, एच अल्फा कम्प्लीमेंट इज़ ओपन, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। सो क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन उसकी यूनियन ओपन है तो ये हमारे पास ओपन सेट्स की जो यूनियन है ये ओपन होगी। तो ये हमारे पास ओपन हो गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट हमने ओपन को शो कर दिया, टोपोलॉजी टॉ का मेम्बर शो कर दिया, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ एच अल्फा ये क्लोज हो। थर्ड पे हमने शो करना था कि फाइनाइट कलेक्शन ले ले क्लोज सेट्स की और इनकी यूनियन वो भी क्लोज आती। तो लेट एच आई आई फ्रॉम 1 to 3, 1 to n बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ये हमारे पास क्लोज सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन है। इसकी यूनियन कब क्लोज होगी? जब इस यूनियन का कम्प्लीमेंट ले वो हमारे पास ओपन हो। जब इसका कम्प्लीमेंट हमने ओपन शो करना है तो इसका कम्प्लीमेंट लेते हैं, यूनियन का कम्प्लीमेंट लें। यूनियन डी मॉर्गन लॉ अगेन यूज़ करेंगे, यूनियन कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी और हर एक एच आई का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास हर एक एच आई क्लोज है तो इसका हर एच आई क्लोज है तो इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन होगा और ये क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन है इन ओपन सेट्स की, फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन है। तो एक चीज़ सारे के सारे एच आई चूँकि हमारे पास क्लोज थे, इनके कम्प्लीमेंट्स ओपन है, ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ओपन सेट्स की, तो ओपन सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन की जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास ओपन होती है। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट ओपन है तो यूनियन ऑफ एच आई हमारे पास क्लोज हो। तो थर्ड में हमने यही शो करना था कि यूनियन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स की वो हमारे पास क्लोज होती है। उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये हमारे पास एक सेट है और इसके ऊपर टोपोलॉजी टॉप वो फाई एक्स ए बी बी सी बी सिंगलटन ए और साथ है ए बी सी। अब इसे क्लोज सेट्स देखें, क्लोज सेट्स निकालने का तरीका ये है कि जो भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं अगर इनके कम्प्लीमेंट लेते जाएँ तो हमारे पास क्लोज सेट्स मिलते जाएंगे। तो फाई का कम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कम्प्लीमेंट फाई, ए बी का कम्प्लीमेंट है वो सी डी आ जाएगा, बी सी का कम्प्लीमेंट है वो ए डी आ जाएगा, सिंगलटन बी का कम्प्लीमेंट ए सी डी आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट बी सी डी आ जाएगा और ए बी सी का कम्प्लीमेंट हमारे पास डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्लोज सेट्स हैं, इनके कम्प्लीमेंट लेंगे तो इनके कम्प्लीमेंट चूँकि यही सेट्स आ जाएंगे दोबारा, यानी कि ये ओपन है तो ये हमारे पास क्लोज सेट्स हैं। अब वही कंडीशन फाई और एक्स, पहली कंडीशन जो वो क्लोज हैं तो ये फाई और एक्स क्लोज हैं। सेकंड कंडीशन ये थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ले लें, कि क्लोज सेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लें तो इनकी यूनियन जो इंटरसेक्शन है वो भी इसी के अंदर होनी चाहिए। तो इनकी इंटरसेक्शन देखें,
सी डी और ए डी की इंटरसेक्शन डी आती है वो भी इसके अंदर है, सी डी और ए सी डी की इंटरसेक्शन ले ले वो सी डी आती है, सी डी और बी सी डी की इंटरसेक्शन सी डी, सी डी और डी की इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, ए डी और ए सी डी की इंटरसेक्शन ले ले तो वो ए डी आता है, ए डी और बी सी डी की इंटरसेक्शन ले ले तो वो डी आता है, ए डी और डी की इंटरसेक्शन ले लें वो डी आता है, ए सी डी और बी सी डी इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास डी आता है और साथ सी आता है, वो सी और डी ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास डी आता है, लास्ट पे बी सी डी और डी के इंटरसेक्शन ले तो सिंगलटन डी आता है वो भी, यानी कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लें और क्लोज सेट्स की उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी इसी के अंदर मौजूद है। थर्ड पे थी फाइनाइट कलेक्शन की यूनियन, तो सी डी और ए डी की यूनियन ले तो ए बी सी डी एक्स आता है, सी डी और ए सी डी की यूनियन ए सी डी, सी डी और बी सी डी की यूनियन ए बी सी डी, सी डी और बी सी डी की यूनियन बी सी डी, सी डी और डी की यूनियन डी, ए डी और ए सी डी की यूनियन ए सी डी, ए डी और बी सी डी की यूनियन ए बी सी डी, ए डी और डी की यूनियन ए डी, ए सी डी और बी सी डी इन दोनों की यूनियन ए बी सी डी एक्स, यानी कि ए सी डी और डी की यूनियन ए सी डी, बी सी डी और डी की यूनियन बी सी डी, तो इसका मतलब जो फाइनाइट कलेक्शन की जो यूनियन है क्लोज सेट्स की, फाइनाइट कलेक्शन की यूनियन वो बी सी सेट के अंदर है तो हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। सेकेंड पे हमारे पास एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और टोपोलॉजी हमारे पास वो फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, यानी कि सेट आर के ऐसे सबसेट्स जिनका कम्प्लीमेंट या तो फाई आ जाए, या तो कम्प्लीमेंट का फाइनाइट आ जाए या आर आ जाए, यानी कि फाई आएगा आर आएगा और सारे के सारे फाइनाइट सेट्स अदर देन फाई वो इस सेट में आएंगे, फाई चूँकि हमने लिख लिया। अब क्लोज सेट्स क्या होंगे, इसमें ऐसे सेट्स आर के ओपन हैं जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं, तो हमारे पास क्लोज सेट्स में फाई का कम्प्लीमेंट ले आर, आर का कम्प्लीमेंट ले फाई, और चूंकि इसमें सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं जस्ट आर में से चंद एक मेंबर यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जो इनफाइनाइट सेट्स हैं वो इसमें ओपन, तो फाइनाइट सेट्स इस सेट में क्लोज होंगे, क्लोज सेट होंगे क्योंकि फाइनाइट सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे वो इनफाइनाइट सेट्स आएंगे, और ऐसे इनफाइनाइट सेट्स जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट हैं तो वो इस टोपोलॉजी में ओपन है। अब अगर देखें फाई और आर ये दोनों क्लोज्ड हैं पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी कि फाइनाइट कलेक्शन ले लें उसकी यूनियन हमारे पास इसी सेट के अंदर होनी चाहिए, अब आर की यूनियन ले लें किसी भी सेट के साथ वो आर आ जाएगी, फाई की यूनियन ले लें किसी भी सेट के साथ वो दोबारा वही सेट आ जाएंगे, बाकी बचे फाइनाइट सेट्स, क्योंकि ये सेट सारे के सारे फाइनाइट है और हमें फाइनाइट सेट्स की फाइनाइट कलेक्शन की यूनियन लें वो भी हमारे पास फाइनाइट ही आती है, यानी कि वो भी हमारे पास यूनियन है वो भी क्लोज होगी। एक और कंडीशन थी कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन, क्लोज सेट्स की आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन, तो यानी कि फाइनाइट सेट्स की अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन हो, चूँकि इंटरसेक्शन में हमारे पास वही सेट वही मेम्बर्स आते हैं जो सब में कॉमन है, चूँकि सारे के सारे सेट्स फाइनाइट हैं जो इंटरसेक्शन में मेंबर्स आएंगे वो भी उनकी तादाद वो भी फाइनाइट होगी, यानी कि वो भी एक फाइनाइट सेट ही है, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लें क्लोज सेट्स की तो उनकी इंटरसेक्शन वो भी हमारे पास क्लोज आती है। तो यही हमने तीन प्रॉपर्टीज़ को शो करना था। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।